सियासत काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको, कृषि कानूनों को लेकर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान सामने आ चुका है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है। कटारिया का कहना है, कांग्रेस बड़े नेताओं को खुश करने की कोशिश में जुटी हुई है, इसलिए विधानसभा में बिल पास कराए जा रहे हैं। कटारे का क्या कुछ कहना आपको सुनवाते हैं। सोचता हूँ कि जो कृषि कानून पास किए गए हैं उसका अगर कोई ठीक ढंग से अध्ययन करे तो वो किसान के पक्ष में है, इसमें कोई नकार नहीं सकता। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, केवल इसमें कहीं थोड़ी बहुत है तो जो मंडियाँ हैं हमारी, वो मंडियों को व्यापार में जो अब तक जिस प्रकार का वहाँ व्यापार होता था उसके कारण से अब खुले बाजार में होने के कारण से मंडी में आवक कम हो जाएगी, ये बात दिख रही है। इसका भी रास्ता है, केवल मंडी शुल्क जो 2.60 रुपया लेते हैं प्रति 100 रुपये पर, उसकी जगह आप इसको घटा दो तो आपका व्यापार भी चलेगा, क्योंकि इसका इतना फर्क पड़ता है प्रति क्विंटल पर कि किसान वहाँ बेच करके इतना नुकसान नहीं खाए, तो उससे सर्वाइव हो सकता है। जहाँ तक जो पहला कानून है स्टोरेज करने का, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ये केवल हमने नहीं, एक तरह से स्वामीनाथन आयोग ने इसके बारे में सजेस्ट किया, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हमेशा इसको लिखा कि हम इस कानून को खत्म करें। क्यों? ये पहले इसलिए था कि जो हमारे यहाँ सामान की शॉर्टेज थी, विशेष करके खाद्यान्न, और इसके कारण से एक सीमा तय कर रखी थी जिसके कारण से भाव न बढ़े। लेकिन अब क्योंकि आपके पास एक्सेस पैदावार हो रही है, यहाँ तक कि आप अपना कई माल विदेशों में निर्यात कर रहे हैं, तो आपके पास शॉर्टेज नहीं है, तो बिना